हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विथ रजनीश सर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी, मस्त और बढ़िया होंगे। आज के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर आज का मेरे भाई होने वाला है। टॉपिक का नाम देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन लोग ने क्या पढ़ा, आरएलवीपी पढ़ा, राइट। सर आपने आरएलवीपी पढ़ा दिया, डिप्रेशन, आज तो डिप्रेशन पढ़ने वाले, वैसे इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दिया, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखा आपने, ठीक है। आज की क्लास मेरे भाई डीएफपी की होने वाली। यहां पे मैं एक हेडिंग डालता हूं प्यारा सा, डीएफपी। क्या हेडिंग डाला सर आपने? डीएफपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ रहा है सभी बच्चों? सबसे पहले ध्यान से समझना, अगर आप लोगों को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझना है ना, तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, देन आफ्टर समझेंगे मेरे भाई डिप्रेशन, देन ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले अपन फ्रीजिंग पॉइंट समझते हैं कि व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, क्या फ्रीजिंग पॉइंट होता है, राइट। फिर क्या डिप्रेशन होगा, एक एक चीज में समझाता हूं। सबसे पहली बात कि ये देखो यहां पे मैं एक आपको फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनेशन मैं आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना मेरे भाई। एक फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। बस पहले यहां तक समझना, पहले यहां तक समझो मैंने क्या बोला कि द टेम्परेचर एट विच द वीपी ऑफ बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट का और लिक्विड स्टेट का दोनों का वेपर प्रेशर। अभी समझो मैं कुछ बोल नहीं रहा, जहां तक रीड किया उसका मींस बताना चाहता हूं आपको मेरे भाई कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर लिक्विड का और सॉलिड का, वेपर प्रेशर लिक्विड का और सॉलिड का मेरे भाई इक्वल हो जाए उसी को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बात खत्म हो गया ये, मतलब सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट दोनों का वीपी इक्वल हो जाए जिस टेम्परेचर पे मेरे भाई, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। समझ में आ रहा है? एक सॉलिड स्टेट है, एक लिक्विड स्टेट है, दोनों का वीपी जिस टेम्परेचर पे इक्वल होता होगा, दोनों का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे इक्वल हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। कुछ दिक्कत हुआ क्या, कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं आया? एक लैंग्वेज और समझना, एक फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनेशन और देता हूं मेरे भाई। ये भी देखो फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनेशन ही है, समझ लो एज इट इज। इट इज द टेम्परेचर, फिर से वही बात आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट का एक और डिफिनेशन अपन पढ़ेंगे अभी, ध्यान से देखना यहां पे। इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट, फिर से मैंने वही बोला ना, इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट अगर वो मेरे भाई इक्विलिब्रियम में हो जाए ना। अच्छा सर, इक्विलिब्रियम बोलना क्यों चाहते हो, अभी अपन समझेंगे। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो आपको पता ना कि इक्वल होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ही है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम की खास बात यह है कि भाई जो जिस रेट से, जिस हिसाब से जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो बैकवर्ड भी तो उसी हिसाब का होगा, ऐसा थोड़ी कि है ना, इसीलिए अपन ने यहां पर इक्विलिब्रियम लगा दिया। आप लोग इसको या इसको, ये दोनों पॉइंट सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट मैंने समझाया। समझ में आया सर? फ्रीजिंग पॉइंट तो समझ में आ गया, डिप्रेशन क्या होता है ये बताना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ये बताओ। फ्रीजिंग पॉइंट में कुछ नहीं था कि कोई भी सब्सटेंस का सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों जब जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में हो जाएं, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम। दो बार रीड करो मेरे भाई, इट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, राइट। समझ में आया कि भाई ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट दोनों के दोनों प्रेजेंट हो जाएं इक्विलिब्रियम में, बस खत्म करो, टाटा बाय बाय करो। एक फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनेशन ये समझ लेना, सेकंड ये समझ लेना, दोनों एक ही चीज है, लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। समझ में आ गया, राइट। सर आप डिप्रेशन बता दो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, समझ में आया ना? अभी मेरे भाई सबसे पहले मैंने अगर आपको फ्रीजिंग पॉइंट सिखा दिया तो मैं आपको सिखाने जाता हूं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझो ध्यान से देखो,
इट इज द डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। सर कुछ ना समझ में आया क्या लिखा है, कोई बात नहीं, मुझे देखो इधर आओ, प्योर सॉल्वेंट ले लो, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट आपने ले लिया, जैसे प्योर सॉल्वेंट आप ले लो वॉटर, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट दैट मीन्स वॉटर ही ले लिया हमने, वॉटर ले लिया ना हम लोग, ठीक है सर। वॉटर की अपेक्षा जो सॉल्यूशन आपने वॉटर के अंदर, देखो अभी ध्यान से समझना, मैं पूरा स्लाइड बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप क्या किए, देखो एक सब्सटेंस पहले एक एग्जांपल से समझाऊंगा ना तो ये पूरी स्लाइड समझ में आसानी से आएगी। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एंटी फ्रीज का नाम सुना है आपने, एंटी फ्रीज क्या होता है सर ये बताओ, बहुत बार हमने सुना एंटी फ्रीज, अगर नहीं सुना है तो सुन तो लिया ही होगा अभी मेरे मुंह से। एंटी फ्रीज क्या होता है, एंटी फ्रीज एक ऐसा सब्सटेंस होता है मेरे भाई जिसको अपन वॉटर के साथ वॉटर में ऐड कर देते हैं, किसी सब्सटेंस में अपन ऐड कर देंगे तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है, क्या करता है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है और फ्रीजिंग होने से बचा देता है। फिर से बोलिए सर क्या बोला आपने, एंटी फ्रीज इज अ सब्सटेंस, राइट, एंटी फ्रीज एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एंटी फ्रीज एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है मेरे भाई, जो क्या करता है फ्रीजिंग पॉइंट को जैसे डिक्रीज करने का काम करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा। जैसे सर एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल क्या है इसका, एक एथाइलीन ग्लाइकोल है, एथाइलीन ग्लाइकोल को अगर अपन ऐड कर दें वॉटर के साथ, ठीक है, वॉटर जो है 0 डिग्री उसकी फ्रीजिंग मान लो हो गया, कुछ कोल्ड कंट्रीज जैसे आपने, आपको पता ही हो कि बहुत सारी कंट्रीज जैसे कोल्ड कंट्रीज होती हैं, तो कोल्ड कंट्रीज में क्या होगा, कार की जो उसमें कार जहां चलती होगी कोल्ड कंट्रीज में, तो रेडिएटर में हम लोग अगर वॉटर डाल के यहां पे इंडिया में चलाएं तो नॉर्मल चल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कोल्ड कंट्रीज हैं वहां पे अगर हम क्या करें, कार के रेडिएटर में वाटर डाल के चलाएं, ठीक है, वाटर तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जब टेम्परेचर वहां का 0 डिग्री होगा तो पानी पूरा का पूरा अंदर पूरा आइस हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इंटू सॉलिड, तो फिर कार तो वर्क नहीं करेगी। तो क्या करते हैं वहां के लोग क्या हम लोग भी करते हैं कि हम लोग वॉटर में क्या करेंगे ना, एथाइलीन ग्लाइकोल को ऐड कर देंगे। एथाइलीन ग्लाइकोल इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, एथाइलीन ग्लाइकोल जो है ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है, उस लिक्विड के वेपर प्रेशर को घटा देगा, स्वाभाविक सी बात है। जब हम लोग प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालेंगे, इट क्या करेगा मेरे भाई, वेपर प्रेशर घटाएगा ना, तो जब वेपर प्रेशर कम होता है तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाएगी, ठीक है, ये समझाना चाहता हूं मैं, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। दैट मींस हम लोग ने क्या किया कि प्योर सॉल्वेंट वाटर में एथाइलीन ग्लाइकोल को ऐड किया, एथाइलीन ग्लाइकोल यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, राइट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। जब इसको अपन ने ऐड कर दिया वाटर में, अब कोल्ड कंट्रीज में क्या होगा कि वहां का टेम्परेचर जो होगा, पहले ये देखो वाटर को प्रिवेंट करना स्टार्ट कर दिया, वाटर पहले 0 पे ही बर्फ बन जाता था, लेकिन अब जो है -52 डिग्री तक उसको प्रिवेंट करना स्टार्ट करेगा। मैं आप लिख दूं -52 डिग्री तक उसको प्रिवेंट कर देगा, दैट मींस अगर वहां का टेम्परेचर मेरे भाई इतना तक हो जाए ना तो जमेगा ही नहीं, समझ में आ रहा। एंटी फ्रीज का मैं आपको बताना चाहता हूं कि होता क्या है, जो उसको फ्रीज होने से रोके, फ्रीज ना होने दे, जमने ना दे, है ना, उसी को तो अपन पढ़ रहे हैं। तो एथाइलीन ग्लाइकोल, यानी कि एक बात समझ में आ गया आप हम लोगों को कि व्हाट इज फ्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहां पे हमने यही लिखा कि इट डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट 0 डिग्री पे ही फ्रीज हो जाता था, लेकिन जब उसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, प्योर सॉल्वेंट दैट मींस वॉटर 0 डिग्री पे ही फ्रीज हो गया, लेकिन इसमें मैंने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, तो सॉल्यूशन बना कि नहीं बना। अगर हमने प्योर वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तभी तो सॉल्यूशन बना यार, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ठीक है, तो सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है मेरे भाई, ये क्रीम लाइन है, नोट कर लेना,
नोट कर लेना कि सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती है इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। मेरे भाई डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट का घटना ही तो डिप्रेशन है यार। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना, पहले सॉल्वेंट 0 डिग्री पे बनता था, सॉल्वेंट 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता था मेरे भाई, अब -52 तक चला जा रहा है बर्फ बनने के लिए। समझ में आ रहा है? -1 को झेल जाएगा, -2 झेल जाएगा, -3 झेल जाएगा, -4, -5, -6 सबको झेल जाएगा, ये -52 पे जाके फ्रीज होगा। ऐसे सब्सटेंस को अपन बोलते हैं एंटी फ्रीज। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाना, एक इधर हो ध्यान से समझना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगी प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा, यही अपन को बोलना है। ठीक है, अच्छा सर ये भी पॉइंट समझ में आ गया, एक बार आप खुद रीड करो, इट इज द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। रीड करना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, रीड करो मेरे साथ, इट इज द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसकी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगी? सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगी किसकी कंपैरिजन में? प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में। प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है मेरे भाई, वही मैं बताना चाह रहा हूं। लेकिन सर ऐसा हुआ क्यों, ये नहीं बताया आपने, ऐसा हुआ क्यों, क्यों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा है, इसका अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एज अ क्वेश्चन पूछूं, बेटा बता दो क्यों फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रही है सॉल्यूशन के, है ना, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट आखिर क्यों घट रही है? तो बताओगे इसका आंसर है कि हम लोग मेरे भाई उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए, है ना। व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट, देन द वीपी डिक्रीजेस। When VP decreases, then freezing point decreases. मेरे भाई ये नोट कर लेना, यहां से नोट करना। When non-volatile solute is dissolved, जैसे जैसे पॉइंट बता रहा हूं ना वैसे वैसे कॉपी पे नोट करना, मजा आ जाएगा। ठीक है, When non-volatile solute is dissolved in volatile solvent, अगर अपन क्या करें वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दे मेरे भाई, तो स्वाभाविक सी बात है वेपर प्रेशर घट जाएगा यार, वीपी घट जाएगी, देन द फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। कुछ समझ में आया क्या? अगर अपन क्या करते हैं, सिंपल सी बात है कि आप अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट मींस यहां पे एक एग्जांपल भी तो मैंने दिया, एथाइलीन ग्लाइकोल इज द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, उसको अपन ऐड करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट, दैट मींस वाटर में ऐड कर दिया हमने, सिंपली ऐड कर दिया, उसका वेपर प्रेशर घटेगा कि नहीं? वेपर प्रेशर घटेगा कि नहीं? दैट मींस वेपर कम बनेगा। अब वो क्या करेगा, नॉन वोलेटाइल है ना, तो मैंने उसको ऐड किया, जैसे मान लो कंटेनर है ये, पूरे कंटेनर में ऐसे प्योर सॉल्वेंट भरा था, इसमें मैंने डाल दिया नॉन वोलेटाइल, ऐसे ऊपर आ जाएगा ये ऐसे। ठीक है, अब इसको वेपर बनने नहीं देगा, अब वेपर निकलने नहीं देगा, तो वेपर प्रेशर भी तो कम ही लगेगा इस पे मेरे भाई, यही तो बोल रहा हूं। और जब वेपर प्रेशर घट गया ना, तो मेरे भाई ये समझ लेना कि फ्रीजिंग पॉइंट भी घटती है। समझ में आया? यानी कि आपको मैंने सिक्वेंसली बताया कि सबसे पहले मेरे भाई फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनेशन लिखना, ठीक है चलो, उसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखना, ठीक है, फिर रीजन लिखना कि क्या कारण था कि फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। तो एक लैंग्वेज और समझ लेना, इसको लिख के उसके बाद इसको लिख लेना कि सर आपने दोनों लैंग्वेज सेम है मेरे भाई, ये फर्स्ट एंड लास्ट एक ही चीज है, थोड़ा सा घुमा के मैंने बताने की कोशिश किया है आपको, ध्यान से देखना, घुमा के नहीं सीधे बोल रहा हूं। व्हेन अ नॉन सॉरी देखो, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू प्योर सॉल्वेंट, क्या बोला सर आपने यही बोला ना कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे प्योर सॉल्वेंट में, फिर से वही बात बोलो, थोड़ा सा समझो बात को, एक ही बात दो तीन बार बोल दूंगा ना दिमाग में घुस जाएगा, एक बार घुस गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा पता रहेगा आपको। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड इनटू प्योर सॉल्वेंट, सर आपने प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो सर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घटेगा, फिर से वही लाइन आ गया, आने तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया प्योर सॉल्वेंट में, तो स्वाभाविक सी बात है कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घटता है।
सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कब घटता है? जब उसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। समझ में आ गया? ठीक है सर। ड्यू टू विच फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। इसके कारण सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाता है। फर्स्ट लाइन इज इक्वल टू फोर्थ लाइन, दैट मीन सेम हो गया यहां पे। लेकिन एक बात समझना कि अब नाउ बिकॉज नाउ ग्रेटर कूलिंग विल बी रिक्वायर्ड। अब आपको ज्यादा ठंडा करने की जरूरत, ये लाइन मुझे सिखाना था, अब आपको ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा ताकि सॉलिड और लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम में हो जाएं, ताकि जो सॉलिड और लिक्विड एक इक्विलिब्रियम में आ पाए। अब तुम लोग समझो कि पहले वाटर को अगर मुझे क्या करना था, फ्रीज करना था, तो मैं 0 डिग्री पे वाटर को फ्रीज कर लेता था सिंपली। ठीक है, वाटर को मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर ही लेता था, हो जाता था फ्रीज। लेकिन उसमें मैंने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट मींस एथाइलीन ग्लाइकोल को मैंने जैसे ही डाला, अब क्या होगा, मुझे अब ये लाइन को समझ लेना कि मुझे ग्रेटर कूलिंग विल बी रिक्वायर्ड। अब मुझे ज्यादा ठंडा करने की जरूरत पड़ जाएगी, दैट मींस मुझे अब -52 डिग्री सेल्सियस पे जाऊंगा ना, तब जाके वो मेरे भाई इस्टेब्लिश होगा जरूर। ऐसी बात नहीं है कि होगा ही नहीं, वो तो मैं आपको बता दिया कि -52 है, लेकिन जीरो से कुछ कम तो हुआ ना मेरे भाई, ये बात हो रही है यहां पर। ठीक है, कुछ दिक्कत की बात नहीं, इसको रीड करो और मेरे एग्जाम्पल को जरूर समझ लेना मैं क्या बोला हूं। ठीक है, ग्राफ को समझने से पहले एक बात समझना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मेरे भाई, अपन बोलते हैं डेल टी एफ। क्या बोलते हैं? डेल टी एफ। आखिर कितना घटा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कैसे बताएंगे? शुरुआत में ध्यान से समझना क्या मैं बोलना चाहता हूं। डेल, यहां देखो टी नॉट एफ है मेरे भाई, टी नॉट एफ इज इक्वल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। मैंने क्या बोला, प्योर सॉल्वेंट का जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होगा मेरे भाई, टी एफ नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। मान लो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है प्योर सॉल्वेंट का रहा होगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या रहा होगा मेरे भाई? 0 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, सपोज कर लो मेरे भाई, बात को समझना। ठीक है, तो अब तुम बताओ कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो घटना ही है, तो जीरो से कम कहां जाओगे, -1, -2, -3, यही तो उतरोगे। तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है मेरे भाई, उसको टी एफ बोलेंगे। उसको टी एफ से मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या मैं बोलना चाहता हूं। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये टी एफ, आखिर ये टी एफ कौन है और टी नॉट एफ कौन है, समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया तो फिर लाइक के बटन दबा दो, मैं समझ जाऊंगा मेरे भाई कि आपको समझ में आ ही गया। टी नॉट एफ एंड टी एफ कौन है? टी एफ मेरे भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आखिर जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी एफ से करेंगे। ठीक है, जो प्योर सॉल्वेंट था उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी नॉट एफ से करेंगे। दैट मींस मेरे भाई दोनों में बड़ा कौन होगा ये बता दो मुझे, सिंपल सा बात है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलो, टी नॉट एफ इज ग्रेटर और टी एफ इज ग्रेटर, तुम बता दो ना। अरे यार, जब तुम लोग सुन लो, समझ लो एक बात, मैं बार बार यही बोल रहा हूं ना कि प्योर सॉल्वेंट की अपेक्षा उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा ना यार। दैट मींस टी नॉट एफ माइनस टी एफ कर सकते हैं कि नहीं? सर, 0 डिग्री यहां पर रखना और इस पे -52 कर लेना, तो सर क्या हो जाएगा, माइनस इसका और ये माइनस मिलकर प्लस, दैट मींस टी डेल टी एफ मेरे भाई क्या आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में बता देना फटाक से। तो डेल टी एफ निकालना होगा, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ कर लेना। डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ कर लोगे कि नहीं कर लोगे? सिंपल, एकदम बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं, है ना। डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ, वेयर टी नॉट एफ रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी एफ रिप्रेजेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं टी एफ से, एंड सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को अपन रिप्रेजेंट करेंगे टी नॉट एफ से। तो सर, ये फॉर्मूला लर्न हो गया कि नहीं आपको मेरे भाई, बता देना ये फॉर्मूला लर्न हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना मेरे भाई? ठीक है सर, एक इसका ग्राफ अगर मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। अपन एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। ठीक है मेरे भाई, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं मेरे भाई। ये देखो सॉल्वेंट है, ये कौन है? सॉल्वेंट है।
ठीक है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट, आखिर सॉल्वेंट है तो इस समय मान लो ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में एक टेम्परेचर इस लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर होगा मेरे भाई, इस लिक्विड का एक ऐसा टेम्परेचर आएगा मेरे भाई जिस पे ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मान लेता हूं ये पिक है, ये एक पॉइंट है जहां पे ये लिक्विड जो होगा वो सॉलिड बन जाएगा, तो उसके बाद मेरे भाई ये सॉलिड सॉलिड चलेगा, क्या चलेगा, सॉलिड सॉलिड, दैट मींस यहां का एरिया जो है वो सॉलिड है और यहां तक मेरे भाई ये लिक्विड था, तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला जो पॉइंट है ये मेरे भाई ऐसा पॉइंट था, यही तो टी नॉट एफ है, इसको अपन मान लेंगे टी नॉट एफ। सर टी नॉट एफ क्या था, फिर से एक बार बता देना बस, टी नॉट एफ का मतलब ये होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आखिर ये सॉल्वेंट यहां से यहां तक मेरे भाई सॉल्वेंट ही तो है, यहां से यहां तक पूरा का पूरा सॉल्वेंट है, ये जो लाइन है मेरे भाई ये सॉल्वेंट की ही तो लाइन है, लेकिन यहां से यहां तक मेरे भाई ये लिक्विड स्टेट में चल रहा है और यहां से यहां तक ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो लिक्विड और सॉलिड एक ऐसे टेम्परेचर यहां पर एक ऐसे पॉइंट पे ये दोनों लोग इक्विलिब्रियम में आने के बाद, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम आने का मतलब यहां पर ये लोग टी नॉट एफ, दैट मीन्स इसका क्या होगा, ये इसका क्या है, ये बता दो तुम लोग, समझ में आ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट है ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है सर। अब अपन ने क्या किया, इसको इसका सॉल्यूशन बनाया, दैट मींस इसमें अपन ऐड करते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, सॉल्वेंट नहीं सॉरी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दैट मींस एक एग्जांपल भी मैंने बताया एथाइलिन ग्लाइकोल, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, बेचैन ना होना, समझ में 101% आ ही जाएगा, ठीक है। इसमें अपन ने डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालोगे मेरे भाई तो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब बताओ कि सॉल्वेंट यहां पे क्या हो जाता था, सॉल्वेंट यहां पे क्या होता था, फ्रीज हो जाता था, लेकिन मैंने इसमें कुछ ऐसा मटेरियल डाल दिया, ऐसा मटेरियल मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देता है मेरे भाई, तो और क्या घटा देगा ना, दैट मींस यहां पे लेके आके आते 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 अब यहां पे एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट जहां पे ये देखो एरिया सॉलिड का है, ये एरिया सॉलिड का है मेरे भाई, इसके पहले लिक्विड का एरिया था, दैट मींस यहां पे आते आते एक समय बाद ये भी क्या हो गया, ये भी सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन है तो ऐसा नहीं कि आजीवन ये रहेंगे अपना लिक्विड में ही, ऐसी बात नहीं है, वो तुम नॉन वोलेटाइल डालो फिर भी एक ऐसा टेम्परेचर होगा कि उसके डालने के बावजूद भी वो सॉलिड बनेगा यार, समझे, उसको डालने के बावजूद भी, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बावजूद भी वो सॉल्यूशन बिकम्स सॉलिड, बट कुछ थोड़ा आपको रिलैक्स देगा ना, कुछ रिलैक्स दे रहा है कि नहीं, कि पहले जीरो पे ही बन जाता था लेकिन अब थोड़ा और मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देगा कि कुछ देर बाद बनाएगा, तो वही तो मैं सिखाना चाह रहा हूं, आखिर पहले यहीं पे बन जाता था लेकिन अब सॉल्यूशन को लेके जब मैं आया तो वो सॉलिड के एरिया में देखो आया, यहां से यहां तक का एरिया सॉलिड था, कहीं पे भी काट सकता है, यहां कहीं पे भी, तो मेरे भाई यहां पे ये सॉलिड के एरिया में आ गया, दैट मींस इसको अगर अपन कट करें तो ये सॉल्यूशन का ना फ्रीजिंग पॉइंट है मेरे भाई, ये वाला पॉइंट ये सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको अपन टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे मेरे भाई, ये सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन की ग्राफ है, सॉल्यूशन का लाइन है, ये मेरे भाई सॉल्यूशन का कर्व है, इसको अपन यहां से अगर करेंगे तो टी एफ आएगा, ये यहां पे कटा ना, तो जहां पे कटता है मेरे भाई तो वहां पे जहां पे इंटरसेक्ट किया ना वहां से अगर मैं यहां पे इसको अटैच टच कराऊं तो मेरे भाई टी एफ हो जाएगा और ये टी नॉट एफ हो गया और दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे भाई डेल टी एफ हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे भाई डेल टी एफ हो गया, इसी को तो अपन बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, नोट कर लेना, नोट कर लो, यही है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से क्या क्लियर हो रहा है कि डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, एक बात तो समझ में आया ना, एक बात समझ में आया ना कि डेल टी एफ जो है मेरे भाई, ये जो डेल टी एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल पी के, समझ में, इस फिगर को देख के तो इतना एहसास हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके बाद की स्टोरी मैं सेकेंड स्लाइड में लगाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं, ये स्लाइड नंबर वन था, थोड़ा सा वीडियोज अगर बढ़े तो परेशान नहीं हो, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग फुल डिटेल में
दे रहे हैं, इसमें आपको पूरी की पूरी लाइन में बस ये लाइन याद रखना पूरा, अगर ये पूरा ग्राफ को पूरे को छोड़ दो, बस यहां से मेरे भाई यहां तक एक पॉइंट अपने माइंड में रख लेना, पूरा चार्ट भूल जाओ, पूरा चार्ट भूल जाओ, कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये फर्स्ट लाइन याद रखना, पूरे लाइन का क्रीम लाइन है वो, पूरे ग्राफ पूरे स्लाइड का क्रीम लाइन ये है कि जब अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर घट जाता है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाती है, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट घट जाती, इतना सा पढ़ना है, उसको अपन ने डिटेल में पढ़ा दिया, इतना डिटेल है कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं जन पढ़ने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद मैं आपको डेरिवेशन सिखाई देता हूं कि डेल टी एफ का कैसे क्या क्या जो भी स्टोरी है नेक्स्ट स्लाइड में, इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 2 लगाता हूं, स्लाइड नंबर 2 सॉरी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने स्लाइड नंबर 2 लगाया, इस स्लाइड में अपन बात करेंगे, यहां पे जो अभी मैंने फिगर बनाया था उस फिगर से क्या क्लियर हो रहा था मेरे भाई, एक बात समझ लेना, एक बात समझना कि डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी, अभी जस्ट की बात है, अभी जस्ट इस फिगर से क्लियर हो रहा था कि नहीं हो रहा था, यस सर। तो मेरी बात को समझना, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे अगर मैं चाहूं मेरे भाई तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू। सर ये आपने कैसे किया, क्यों किया, मैं आपको एक बात बताता हूं, बीच में एक सेंटेंस लिख लेना कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या बोला सर आपने, लिख नहीं रहा मेरे भाई, यहां पे आप खुद लिखना, मैं हिंट के तौर पे लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द लोअरिंग इन वेपर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ के लिख लेना क्योंकि मैं हिंट कर रहा हूं आपको बस, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, यहां पे मैंने रिलेशन लिख दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक एक लाइन में मैंने सोचा कि कंप्लीट कर लूं, समझ जाना। तो ये रिलेशन से, इस लाइन से मेरे भाई एक बात समझ में आया कि डेल पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू। मेरे भाई इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, मैं दूसरे कलर से आपको लिख के दिखाता हूं। अगर वाइल कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2, इसमें भी डेल पी है, इसमें भी डेल पी है, तो हम लोग यहां पे कर सकते हैं डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू। बोलो दिक्कत है, डेल टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू, ठीक है। चलो अगर हम लोग डेल यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म के आ जाएगा, ठीक है, x2 आ गया मेरे भाई, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट टर्म k आ जा रहा है, कोई दिक्कत है यहां पे नहीं। चलो इसके आगे अपन सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कि डेल टी एफ ये सर x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, लिखना चाहते हो लिख लो, x2 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जहां पे मैं 2 लिखूंगा वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, जब जब मैं 1 लिखूंगा मेरे भाई सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके बुक में हो सकता है a एंड b करके दिया होगा, बेचैन ना होना, b दिया है तो सॉल्यूट मान लेना, a दिया है तो सॉल्वेंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां पे ए और बी भी लेके कर सकता हूं, ठीक है। चलो तो डेल टी एफ इज इक्वल टू के, अपन इसको x2 को एक बात लिख सकते हैं कि n2 अपॉन n1 प्लस n2। क्या किया सर आपने, x2 इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2, कैसे हो गया, मोल फ्रैक्शन की डिफिनीशन होती है कि जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसका मोल्स, उसका नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। दैट मींस मेरे भाई x2 है ना, तो x2 इक्वल टू फॉर्मूला होता है n2 अपॉन n1 प्लस n2। समझ में आया, तो मैंने x2 के जगह पे पुट कर दिया, सिंपल सी बात है ना, तो x2 के जगह पे मैंने पुट कर दिया मेरे भाई n2 अपॉन n1 प्लस n2। ये आप लिख सकते हो, मैंने पिछली जो लेक्चर है ना इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ही जब बताया था तो उसमें मैंने कंप्लीट लिख के बताया, एक बार वहां देखे होगे ना तो ये समझ में आ रहा होगा, एक बार वहां जाके देखो ये सब चीजें मैंने वहां पर लिख के एकदम एज इट इज बहुत ईजी वे में बताया, तो वही एकदम सेम टू सेम है, तो क्या उसमें 5 बार लिखा जाए, समझ में आ रहा है, ठीक है। वहां से मुझे उम्मीद है कि आपने इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देख के यहां पर आए, ठीक है, मान लेते हैं, चलो कलर चेंज करते हैं जरा सा, लिख लेते हैं इफ क्या लिखा जाए मेरे भाई, n2 is less n1 कर लो मेरे भाई, n2 is less n1 हो गया, तो मेरे भाई इसको अपन लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं डेल टी एफ, राइट, डेल टी एफ इज इक्वल टू के
एन टू अपॉन एन वन हो जाएगा कि नहीं मेरे भैया? हो जाएगा ना, एन वन प्लस एन टू है तो मेरे भैया यहां पे देखो एन टू को लेस 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 कर लिया मैंने, मान लिया कि एकदम एन टू लेस एकदम मतलब है ही नहीं, ना के बराबर नेग्लिजिबल कर दिया मैंने, तो क्या हो गया मेरे भाई, एन टू अपॉन एन वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, ठीक है। इसको अपन क्या कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि एन वन का मतलब मेरे भाई यहां पर देखना, यहां पर देखना, मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, यहां पर लिख देता हूं एन वन इज इक्वल टू मेरे भाई डब्ल्यू वन अपॉन एम वन होता है, एन वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन अपॉन एम वन होता है। एन वन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता है। एन वन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास बाय मोलर मास। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास होता है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं मेरे भाई, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस मास ऑफ सॉल्वेंट को अपन डब्ल्यू वन से करेंगे एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को मेरे भाई एम वन से कर देंगे। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलो अब क्या करेंगे अपन, इसको n1 की जगह पे यहां पे पुट करता हूं, तो मेरे भाई डेल टी एफ इज इक्वल टू के n2 अपॉन n1 की जगह पे मैं कर दिया मेरे भाई w1 एंड m1 नीचे से लेके चला गया मैंने ऊपर, यहां पे कोई दिक्कत हुआ क्या? अरे भाई n1 की जगह यहां w1 अपॉन m1 करूंगा तो ये m1 ऊपर ही तो जाएगा। नहीं नहीं सर, सही बात है, आपने सही कहा, ठीक है। यहां पे एक रिलेशन लिखता हूं, इस बॉक्स में देखना, इस बॉक्स में देख लेना, मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं के एफ इज इक्वल टू K इंटू एम वन। क्या लिखा मैंने, K इंटू एम वन, के और एम वन को मेरे भाई मैं क्या करूंगा, K और एम वन को मैं के एफ कर दूंगा। और इस बॉक्स में एक और रिलेशन देख लेना मेरे भाई, इस बॉक्स में एक और यहां पे मैं रिलेशन लिखता हूं, वेयर मोलैलिटी इज इक्वल टू एन टू अपॉन डब्ल्यू वन हो जाता है, वेयर स्मॉल m है मेरे भाई, बड़ा m ना है वो, स्मॉल m है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? ऐसा मत बोलना मुझे नहीं पता है, मत पूछो ना, ठीक है। मोलैलिटी का फॉर्मूला मेरे भाई एन टू अपॉन डब्ल्यू वन होता है, N2 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय क्या होगा मेरे भाई बता दो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बार-बार गाना मत, मुझे नहीं पता है, मत पूछो ना, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं इसको क्या करेंगे कि डेल डेल टी एफ इज इक्वल टू मेरे भाई के और एम वन मिलकर मेरे भाई के एफ हो गया। क्या हो गया भैया, के एफ हो गया। और एन टू अपॉन डब्ल्यू वन को अपन शॉर्ट में लिखेंगे स्मॉल एम, इसको स्क्वायर ब्रेकेट में कर लेंगे मेरे भाई। इसी की तो तड़प थी हमें, इसी की तड़प थी मेरे भाई कि डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इनटू स्मॉल एम। ये छोटू एम है, बड़ा एम नहीं है मेरे भाई, है ना, बड़ा रहता तो दूसरी बात हो जाएगी। यहां पे स्मॉल एम है, स्मॉल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा तो बोल रहा हूं ना, बोल रहा हूं ना, स्मॉल एम है। डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इनटू एम अपन ने प्रूफ कर दिया। सर यहां पे के एफ क्या है ये आपने नहीं बताया, मजाक कर रहे हो क्या? लिख लो के एफ इज इक्वल टू मेरे भाई, यहां पे लिख लो ना के एफ मेरे भाई मोलल, मोलल मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कर लेना यार, ठीक है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, सर इसको क्या है और कुछ बोल सकते हैं क्या? क्यों नहीं बोल सकते मेरे भाई, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक भी बोल सकते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हो। समझ में आया सर? ये यहाँ पे एम क्या है ये तो आपने बताया नहीं मेरे भैया। एम यहाँ पे मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। एक स्लाइड में अपन ने कंप्लीट कर लिया, बहुत बहुत बेचैनी की बात नहीं है, एकदम समझ में आया कि नहीं आया? यहां पे डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, सर बहुत ही इजी वे में आपने बता दिया। अगर अभी भी नहीं आया ना तो एक बार इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का डेरिवेशन देख के आओ, ये समझ में आ जाएगा कि यहां पे किया क्या हमने, ठीक है। एकदम एकदम डिट्टो है, थोड़ा सा कॉपी, थोड़ा सा हमने यहां पे क्या किया, यहां पे के एफ की बात हो गई है, ठीक है, बाकी सारा कुछ वही चल रहा है। और वहां पे मैंने डिटेल बताया था इन सब चीजों को, लेकिन अभी आप यहां पे इतना ही समझो। कोई डाउट अगर इतना नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना सर डेरिवेशन ना समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला जो क्लास होगा सिर्फ डेरिवेशन के नाम कर देंगे, ठीक है। सर यहां पे क्या बताएंगे आप, यहां पे देखो क्या बताता हूं, मोलर मास ऑफ, अगर मान लीजिए यहां पे लिखना चाहते हो लिख लो डिटरमिनेशन ऑफ, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ मोलिक्यूलर मोलिक्यूलर मास ऑफ, ठीक है, डिटरमिनेशन ऑफ मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट,
ठीक है मेरे भाई। चलिए सर, आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट को डिटरमाइन कराने वाले हैं क्या? यस मेरे भाई, ठीक है। कैसे करेंगे सर? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे? ऐसा डायलॉग यहां नहीं चलेगा मेरे भाई। कैसे करेंगे, यहां पे देखो क्या बोलने वाले हैं हम लोग, कि यहां पे फॉर्मूला लिख लो। ये जो फॉर्मूला आपने प्रूफ किया, ये मेरे भाई डेल टी एफ इज इक्वल टू Kf into m, सर हमने प्रूफ किया कि डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। होता है कि नहीं होता है? सर होता है ना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। सर मोलैलिटी इक्वल टू, एक आपने फॉर्मूला बताया था, मोलैलिटी इक्वल टू आपने एक फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन अपॉन मास ऑफ, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है कि नहीं होता है मेरे भाई। अगर ये ग्राम में है तो 1000 से मेरे भैया मल्टीप्लाई कर लेना, कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? ठीक है, चलो मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे एंड कलर चेंज कर दूं क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को बोलते हैं n2 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट को मेरे भाई w1 बोल देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? इनटू 1000 कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कर ही देते हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए आपको। चलो सर n2 को क्या करेंगे? n2 का मतलब सर कुछ बता दो तो अच्छा ही हो जाएगा। देखो यहां पे लिख देता हूं n2 के लिए। n2 क्या है सर? यहां पे ये बताओ, वेयर n2 का मतलब मेरे भाई होता है, ब्रैकेट में लिख दूं क्या यहां पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। ये तो पता ही था सर, तो क्यों पूछ रहे थे मेरे भाई? n2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, और n2 बराबर अपन कर सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ गए क्या? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है सर। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट को सर किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करना हो तो W2 से करेंगे ना सर, W2 से करेंगे ना, और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करना हो तो M2 से करेंगे ना सर। बड़ा M छोटा M कौन सा सर? आप बता दो ना यार, बड़ा M की छोटा M, ठीक है, छोटू तो चलेगा नहीं यहाँ पे। तो सर एक सिंपल आपने रिलेशन बता दिया कि N2 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 होता है, यही ना बताना चाह रहे हो? यस सर, N2 इज इक्वल टू W2 बाई M2 होता है, N2 इज इक्वल टू W2 बाई M2 होता है। समझ में आया? नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब अपन N2 की वैल्यू यहां पे पुट कर दें। अगर पुट कर दें मेरे भाई तो कलर चेंज कर दिया मैंने, अब देखो मजा आएगा। M इज इक्वल टू N2 के जगह मैंने W2 बाई M2 कर दिया इसके प्लेस पे, राइट। ये वाला W1 जो है यहां लिख लिया मैंने, ये वाला जो 1000 है यहां लिख लिया। तो सर एक फॉर्मूला पता चल गया कि मोलैलिटी, कलर दूसरा ले लो, मोलैलिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू 1000 हो जाएगा। ये मेरे भाई मोलैलिटी का फॉर्मूला है, इसको पूरे को नोट कर लेना। मैं इरेज कर दूं क्या मेरे भाई? नोट करो इसको, मैं इस वैल्यू को पुट करूंगा यहां पे। देखो फॉर्मूले में एक जगह M आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, कि डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम आ रहा है ना। इस एम के जगह पे ये पूरी वैल्यू उठा के रखने जा रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा। ये देखो पूरा इरेज कर दिया मैंने, पूरा का पूरा मैंने मेरे भाई इरेज कर दिया, ठीक है। ये देखो, अपने कुछ नहीं किया, बस इरेज किया है, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत तो बात है नहीं, ठीक है। चलो अब अपन क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ठीक है। मोलैलिटी इक्वल टू, इतना सारा वैल्यू पुट करो यहां पे, एम इज इक्वल टू मेरे भाई W2 अपॉन M2, ठीक है सर, कर दिया आपने, राइट। ये मेरे भाई W1 ये वाला कर लिया, ठीक है सर। ये भाई मेरे 1000 कर लिया, मेरे भाई 1000 हो गया। सर आपको M2 की वैल्यू निकालनी थी ना, तो क्यों ना सर आप M2 को इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लाते हो? वही करूंगा मेरे मुन्ना, बात तो सही पकड़ा आपने, ठीक है। M2 इज इक्वल टू के एफ इंटू W2 अपॉन मेरे भाई क्या होना चाहिए, कि डेल टी एफ इंटू W1, ओके, ठीक है, इंटू 1000 हो सकता है कि नहीं मेरे भाई? हो सकता है ना, यही तो प्रूफ करना था, और ये अपन का फॉर्मूला हो गया। अगर मेरे भाई आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना हो तो KF into W2 अपॉन डेल TF into W1 into 1000 कर देना, आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? इसकी वैल्यू मैंने पुट किया यहां पे, निकाल दिया, समझ में आया। चलो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है? सर आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया था अभी जस्ट, कि डेल TF
इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, पढ़ाया था कि नहीं? अगर सर इफ इफ मोलैलिटी इफ मोलैलिटी इफ मोलैलिटी एम इज इक्वल टू वन, दैट मीन्स यूनिटी हो जाए. क्या बोला सर आपने? अगर इस फॉर्मूले में अगर मान लीजिए कि मोलैलिटी एक हो जाए मेरे भाई, क्या हो जाए? मोलैलिटी एक हो जाए, दैट मीन्स यूनिटी हो जाए, तो भाई हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे वन पुट करोगे तो एक रिलेशन आ जाएगा. कलर चेंज कर लो फिर मजा आएगा. देखो डेल्टी एफ इज इक्वल टू के एफ हो जाएगा. कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत हुई क्या इसमें? कुछ नहीं हुआ मेरे भाई. मैंने बोला है कि इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो ना, अगर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन करना चाहते हो ना, तो व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी. बस इतना लाइन याद रखना, कुछ मत याद रखना, समझ लेना कि व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स यूनिटी, व्हेन मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी. सोल्यूशन की मोलैलिटी मेरे भाई अगर यूनिटी हो, सोल्यूशन की मोलैलिटी मेरे भाई यूनिटी हो, दैट मीन्स टी एफ डेल्टी एफ इज इक्वल टू के एफ हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर. इसको अगर सर यूनिट निकालने की हमारी इच्छा हो जाए कि सर यूनिट क्या होगी के एफ का, तो देखो मैं कैसे करता हूँ. वी नो दैट डेल्टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम हो जाता है, तो के एफ इज इक्वल टू क्या होता है कि डेल्टी एफ बाई एम होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, समझ में आ रहा है? डेल्टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है, तो के एफ इज इक्वल टू डेल्टी एफ बाई एम हो जाएगा कि नहीं होगा? सर इसका यूनिट अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना कितना हो सकता है मेरे भाई इसका, तो किलोग्राम पर मोल कर लेना मेरे भाई. अगर इसकी इच्छा ना हो तो मेरे भाई लिख लेना केल्विन केजी पर मोल कर सकते हो, ठीक है? कुछ लोगों का सर केएफ बता दो ना फिक्स होता है. मैंने सुना है कि केएफ फिक्स होता है, तो कुछ केएफ कुछ लोगों का बता दो. केएफ फॉर वाटर कर लेना मेरे भाई, केएफ फॉर वाटर कर सकते हो. 1.86 होता है, 1.86 हो जाता है. मैं चाहता हूं कि बेंजीन का एथेनॉल का कुछ लोगों का केएफ आप कमेंट बॉक्स में डालें, लेकिन अब पानी का केएफ मेरे भाई याद कर लेना 1.86 हो जाएगा. कोई दिक्कत है क्या यहां पे? इसको नोट कर लो. मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया, डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कर लिया अपन ने, और ये मेरे भाई इसको भी अपन डेरिवेशन के नाम से ही बोल देना, यहां पे भी हेडिंग बना लेना डेरिवेशन. सर किसका डेरिवेशन किया आपने? पता ही है ना किसका किया? कोई दिक्कत है क्या? एक फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला एंड नेक्स्ट फॉर्मूला. ये फॉर्मूला नहीं कोई है, ये आप अपने माइंड में रख लेना. एक सिंपल छोटे छोटे वीडियोस को हम लोग लेके आए आपके सामने. समझ में आया? वेरी गुड. सर अगर केएफ निकालने की इच्छा हो जाए हमारी, अगर सर केएफ निकालने की इच्छा हो जाए कि सर केएफ कैसे निकलेगा, तो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं आपको. समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो. ओके स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने लास्ट स्लाइड लगाया. बहुत ही सिंपल स्लाइड है, बहुत ही इजी मेथड लगाने वाला हूं, मतलब इजी स्लाइड बोल दो इसको. देखो मैंने अभी देखा, मैंने जब पुराना लेक्चर अपना, तो मैंने उसमें शायद इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला जब लेक्चर मैंने पढ़ाया था मेरे भाई, तो उसमें मैंने आपको यह बताना भूल गया था कि केबी क्या होता है, मतलब हाउ टू फाइंड केबी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपन समझेंगे, देन आफ्टर इसको समझ लेते. अभी मैंने देखा कि मैंने पुराने लेक्चर, मुझे लगा ऐसा कि मैंने कर दिया, बट वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, दैट्स व्हाई ये अभी उसमें डाल नहीं सकते, अदरवाइज वहीं पे डालना चाहिए था. अगर आपके पास आपके कॉपी पे स्पेस बचा हो मेरे भाई, तो ये वाला स्लाइड ना नोट कर लेना. ये वाला जो साइड है इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का है, अभी मैंने देखा उसमें छूट गया था. कोई दिक्कत ना है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा मेथड है. सर अगर मेरी इच्छा हो जाए केबी निकालने की, सर केबी क्या होता है? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है. सर लिख दो ना, मैं भूल जाऊंगा तो क्या होगा. सर लिख दो ना यहां पर, केबी इज इक्वल टू मोलल इलिवेशन कॉन्स्टेंट होता है ना सर, इलिवेशन कॉन्स्टेंट होता है कि नहीं सर, बता दीजिए सही बात है कि नहीं? यस सर. इसको अपन एब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, ये मैं वहां पे बताया था, जाके एक बार देख लेना, मौज कर लोगे, ठीक है? केबी मेरे भाई इलिवेशन, मोलल इलिवेशन कॉन्स्टेंट अगर आपको निकालने की इच्छा हो जाए, तो मेरे भाई कुछ ना करना, एक फॉर्मूला लगा लेना, आर टी बी नॉट स्क्वायर बाई 1000 LV. समझ में आ रहा है? सर ये फॉर्मूला में कौन क्या क्या रिप्रेजेंट, किसको क्या क्या कर रहा है, वो तो बता दो. फॉर्मूला केबी अगर आपको निकालना है,
सर अगर आपको केबी निकालना है तो क्या करेंगे मेरे भाई, मैं आर इंटू टीबी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 एलवी करूंगा। सर यहां पे आर क्या है मेरे भैया, बहुत पुरानी डायलॉग है, आर मेरे भाई गैस कांस्टेंट है, पुरानी डायलॉग है, आर मेरे भाई गैस कांस्टेंट है, कोई नया नहीं, आर फॉर रजनीश नहीं मेरे भाई, समझ में आ रहा है। ऐसा ना करना सर, आप पढ़ा रहे हो अपना नाम लिख रहे हो क्या, ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, आर मतलब गैस कांस्टेंट होता है, समझ में आया, ठीक है। सर टीबी नॉट क्या है ये तो सर मत बताइए, हमें पता है टीबी नॉट पता है सर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मेरे भाई जब नॉट लग गया यहां पे ना तो प्योर की बात होती है और जब नहीं लगता है तो सॉल्यूशन की बात होती है, उसकी क्लास वहां पे जाके देखना, मौज कर जाओगे, समझ में आ रहा है। सर टीबी नॉट यहां पे क्या है, यहां पे टीबी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सर यहां पे आर क्या है, सर आर यहां पे गैस कांस्टेंट है। सर यहां पे एलवी क्या है, एलवी मेरे भाई लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इतना ही बोल देना एलवी फॉर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको आप बोलो या ना बोलो कोई गम नहीं हमें, ठीक है, बस इतना तो बोल देना लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर इच्छा हो जाए तो बोल देना पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आप बोलना एलवी इज इक्वल टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सर अगर फॉर्मूले में क्वेश्चन में तो मान लो ये फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, टीबी नॉट मिल ही जाएगा, सर एलवी मान लो ना दिया हो क्वेश्चन में तो एलवी भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको मेरे भाई लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकालना हो तो एलवी का फॉर्मूला लगा देना, एलवी इज इक्वल टू होता है डेल एच वेप अपॉन एम1, वेपोराइजेशन है ये, ठीक है, वेप मीन्स ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर मैंने लिखा है डेल एच वेप, सर क्या है वेपोराइजेशन, क्या है डेल एच वेप, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये मेरे भाई है। तो सर क्यों ना एलवी की वैल्यू यहां पे पुट कर दें, तो कर दो ना मेरे भैया, ये देखो आर ठीक है, टीबी ठीक है सर, टीबी नॉट ठीक है सर, ये टीबी नॉट का स्क्वायर अपॉन ये 1000 लिख लिया भैया मैंने, ठीक है 1000 लिख लिया, एलवी के जगह मेरे भाई डेल एच वेप बाई एम1 ना, तो एलवी के जगह पे यहां पे लिखो डेल एच वेपोराइजेशन, ठीक है, अपॉन एम1 ना लिख के एम1 को ऊपर लेके चले, कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई, तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नहीं, के बी इज इक्वल टू आर टी बी नॉट स्क्वायर इंटू एम1 अपॉन 1000 इंटू डेल एच वेप, मेरे भाई इसी को लगा लेना, आपको के बी निकल के आ जाएगा, समझ में आ गया। सर अगर इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अपन मेजर करना चाहें, सर अगर इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर मेजर करना चाहें तो हम लोग लैंड्सबर्गर मैथड एंड कॉर्टेल मैथड लगा के मेजर कर सकते हैं। अगर इसकी डिटेल चाहिए ना तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बताना इसका, क्योंकि वीडियोस बहुत बड़े हो गए इसलिए मैंने नहीं इसको अभी बता रहा, लेकिन मेथड अगर आप मुझे एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा मेथड के बारे में, आखिर ये लैंड्सबर्गर मेथड में क्या है, ठीक है। चलो सर इस मेथड में, इस मेथड से ईवीपी ईबीपी को मेजर कर सकते हैं, यस। अगर मेरे भाई इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप मेजर करना चाहते हैं तो ईबीपी कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग लैंड्सबर्गर एंड कॉर्टेल मेथड। आप लैंड्सबर्गर मेथड एंड कॉर्टेल मेथड अभी फिलहाल नाम तो सुन लो, एटलीस्ट नाम सुने रहोगे ना तो कभी मौका मिलेगा तो बता भी देंगे, समझ में आया। अगर कमेंट बॉक्स में देखेंगे बहुत सारे बच्चे की ख्वाहिश हो जाए, चाहत हो जाए तो बताएंगे पक्का, ठीक है। आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो लैंड्सबर्गर एंड कॉर्टेल मेथड पे मिल जाएगा, हाउ कैन वी मेजर्ड ईबीपी, ठीक है। सर आपने केबी निकालना सिखा दिया, मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों का केबी फिक्स होता है, आप इस लेक्चर में यहां पे केबी फॉर वोटर जरा बता देना कितना होता है यहां पे, क्योंकि इस लेक्चर में तो मैंने बताया नहीं, मैं देखता हूं वहां पे कितने लोगों ने देखा, ऐसा नहीं बोलना मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, ठीक है, पता है मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। सर यहां पे केएफ क्या है, केएफ क्या है, अभी तो मुन्ना बताया मैंने, केएफ सर मोलल, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट लिख दो यहां पे, ठीक है, ठीक है मुन्ना, ठीक है सर, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ है सर, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं कि नहीं, यस केएफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, आप इसको बोल ही सकते हो। सर केएफ निकालने की अगर मेरी इच्छा हो जाए तो आर टी एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 एलएफ करेंगे, राइट सर, आर मींस क्या है सर, ये तो आपने बताया ही था कि आर मींस मुन्ना गैस कांस्टेंट होता है, समझ रहे हो मुन्ना, मुन्ना समझ रहे हो कि आर मतलब गैस कांस्टेंट होता है, तो टी एफ नॉट का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इन प्योर स्टेट होता होगा ना, जब नॉट लग गया तो प्योर बोल देना,
तो मैंने वही तो बोला, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट मेरे भाई, प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर स्टेट या प्योर सॉल्वेंट में जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना उसी को अपन टी नॉट एफ बोलते हैं, समझ गए, वेरी गुड। सर यहां पे एलएफ क्या है, एलएफ एलएफ वहां पे क्या था, एलवी था, यहां पे मेरे भैया एलएफ है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, एलएफ मींस क्या होगा मेरे भाई, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहां पे बता देना। सर एलएफ किसी किसी क्वेश्चन में यहां पे ना दिया हो तो एलएफ निकालने का भी सिस्टम मैं बता देता हूं, डेल एचएफ अपॉन एम1 कर देना, तो क्यों ना सर इसी फॉर्मूले में पुट कर दें अगर अपन आर टी एफ नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000, राइट राइट राइट, एलएफ के जगह मेरे भैया यहां पे लिख लेना डेल एच एफ हो गया, ठीक है सर, ये एम वन चला जाएगा यहां पे मेरे भाई, आएगा कि नहीं आएगा, तो अपन डायरेक्टली बोलेंगे कि एफ इज इक्वल टू आर टी नॉट एफ स्क्वायर इंटू एम वन अपॉन 1000 इंटू डेल एच एफ। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, पूछ लेना मेरे भाई, आर क्या है, टी एफ नॉट क्या है, एम क्या है, डेल एच एफ क्या है, आप सब कुछ पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात हो तो बता देना। सर अगर डी एफ पी को डिटरमाइन करना हो तो कौन सा मेथड लगाएंगे, जैसे आपने ई बी पी को मेजर करना चाहा तो आपने लैंड्सबर्गर एंड सॉरी ठीक है लैंड्सबर्गर मेथड एंड कोर्टेल मेथड लगा के डिटरमाइन किया, तो सर अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने की हमारी इच्छा हो जाए तो हम क्या करेंगे भैया, रास्ट एंड बैकमैन मेथड लगा लेना, रास्ट एंड बैकमैन मेथड से अपन इसको मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसका फुल डिटेल अगर आपको सीखना होगा ना तो हिचकिचाना मत, कमेंट बॉक्स में बोलना सर प्लीज एक्सप्लेन करिए डीएफपी को डिटरमाइन करने के मेथड, पक्का बताऊंगा 101% अगर आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग ना चलना है, पता चला मैंने बना दिया एक भी व्यूज आया नहीं तो अच्छी बात नहीं है ना, पहले वेटिंग में हो जाओ 10-20 लोग, यस सर हमको सीखना, तुरंत डालेंगे 10 लोग तो देख लेंगे एटलीस्ट, ठीक है चलो अभी प्लीज इसको नोट करिए, वीडियोस बहुत पड़ी हो गई, इतना मैं चाहता नहीं था, ठीक है आप नेक्स्ट लेक्चर में जाइए, ओपी ओपी देखिए, समझ में आ रहा, ऑस्मोटिक प्रेशर देख लेना, मौज करना, ठीक है चलो। आर एल वी पी सीखा हमने, ई बी पी सीख लिया हमने, हमने क्या सीख लिया डी एफ पी, अब नेक्स्ट लेक्चर में ओपी ओपी सीखेंगे, दैट मीन समझ में आ रहा है, ओपी मीन समझ में आ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और कोई ओपी नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर ना किया हो तो ठीक है, शेयर भी करना, लाइक भी करना, ओके एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।